मेरे प्यारे देशवासियों, आप अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों के विषय में जानते भी हैं, व्यस्तता की चर्चा भी करते हैं। लेकिन आपको मालूम है ना, मैं भी आप ही के जैसा एक सामान्य इंसान हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, और इसलिए एक सामान्य जिंदगी में जो जो चीज़ों का प्रभाव होता है, वैसा प्रभाव मेरे जीवन में मेरे मन को भी होता है, क्योंकि मैं भी तो आप ही के बीच से निकला हूँ ना। देखिए, इस बार US ओपन में जीत के जितने चर्चे थे, उतने ही रनर अप डेनिल मेदवेदेव के स्पीच के भी थे, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था। तो फिर मैंने भी वो स्पीच सुनी और मैच भी देखा। 23 साल के डेनिल मेदवेदेव, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी मैच्योरिटी हर किसी को प्रभावित करने वाली थी। मैं तो जरूर प्रभावित हुआ। इस स्पीच से बस थोड़ी देर पहले ही वे 19 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और टेनिस के लीजेंड राफेल नडाल से फाइनल में हार गए थे। इस अवसर पर कोई और होता तो वह उदास और निराश हो गया होता, लेकिन उनका चेहरा मुरझाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी बातों से सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनकी विनम्रता, सरलता और ट्रू सेंस में, लेटर एंड स्पिरिट में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो रूप देखने को मिला, हर कोई कायल हो गया। उनकी बातों का वहां मौजूद दर्शकों ने कर्मजोशी से स्वागत किया। डेनिल ने चैंपियन नडाल की भी जमकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार नडाल ने लाखों युवाओं को टेनिस के लिए प्रेरित किया है। साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ खेलना कितना मुश्किल था। कड़ी टक्कर में हार के बाद भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नडाल की तारीफ कर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जीता जागता सबूत दे दिया। हालांकि दूसरी तरफ चैंपियन नडाल ने भी डेनिल के खेल की जमकर सराहना की। एक ही मैच में हारने वाले का जोश और जीतने वाले की विनम्रता दोनों देखने लायक थी। यदि आपने डेनिल मेदवेदेव की स्पीच नहीं सुनी है तो मैं आप सभी से, विशेष रूप से युवाओं से कहूंगा कि उनके इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये वे क्षण होते हैं जो हार जीत से बहुत परे होते हैं। हार जीत कोई मायना नहीं रखता है, जिंदगी जीत जाती है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को कहा गया है। हमारे पूर्वजों की सोच सचमुच में काबिले दाद है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विनय उपेता हरति, न चेतासी कास्य मनुजस्य, मणि कांचन संयोग जनयति लोकस्य लोचन आनंदम। यानी जब किसी व्यक्ति में योग्यता और विनम्रता एक साथ समाहित हो जाए तो वो फिर किसका दिल नहीं जीत सकता है। वास्तव में इस युवा खिलाड़ी ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है।